अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के कॉन्सेप्ट्स एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन. और लेट्स स्टार्ट. इसमें क्या गया आपको, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स. सी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया था. लीनियर इनइक्वालिटीज इसमें एक्स की वैल्यू डिग्री 1 एक्चुअली, ठीक है. और टू वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिए थे कि एक्स कोमा वाई. और डिग्री क्या होता है ये भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि डिग्री होता है हाईएस्ट पावर. मतलब ये नहीं कि जैसे ये रहा, अब आपको हो गया ये भी लीनियर है. नहीं, लीनियर नहीं है. क्यों? क्योंकि एक्स की डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है. तो ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वल. ये हो गया आपके पास लीनियर. एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब उन्होंने कहा सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इन सिस्टम मतलब आपके पास 2 या 3 इन इक्वेशंस दी होंगी आपको और उसको आपको सोल्व करना, ठीक है. तो देखो जैसे फर्स्ट है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. तो 2 है आपके पास, ठीक है. अब देखो ध्यान से आपको क्या करना है इसमें. सबसे पहले जैसे हमने क्या करा था, जैसे हमने पीछे करा था ना एक एक इक्वेशन, सबसे पहले हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है. कैसे सॉल्व करनी है, 0.0 डाल के देख लो पहले तो इसमें कि ओरिजिन आएगा या नहीं आएगा. आएगा इसमें, देखो ध्यान से, 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो ओरिजिन से अवे है ये, ठीक है. दूसरी बात, डॉटेड लाइन नहीं आएगी इन दोनों में. क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इक्वल का भी साइन है बीच में, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है. ये भी आपको बता दिया था. तीसरी बात, आप अब क्या करोगे, एक्स को 0 लेट कर लो तो वाई आ जाएगा 5, क्योंकि हमने ग्राफ किसका बनाना है, हम ग्राफ बना रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का, ठीक है. तो एक्स को 0 पुट कर लो वाई आ जाएगा 5, सी, और वाई को 0 पुट कर दो तो एक्स आ जाएगा 5. तो इन दोनों के साथ ये हमने ये बना लिया, ठीक है. और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो हमने ये सारा हिस्सा आपका मार्क कर लिया, डन. फिर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 ये आ जाएगा आपके पास, ये सारा हिस्सा. अब हमने देखना है दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा है. तो जो कॉमन हिस्सा होगा वो आपके पास इन दोनों का सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएगा, ठीक है, डन. नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या है इसमें, 3 इन इक्वेशंस दे रखी हैं. ये दोनों तो बिल्कुल सिंपल है. वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 का. इसको आपको सॉल्व करना है, इसको 0 लेट कर लो ये आ जाएगा 10, और इसको 0 लेट कर लो तो ये आ जाएगा 8, ठीक है. तो आपके पास ये है, ये देखो ध्यान से, 0.8 एंड 0.10 एंड 8.0, सॉरी, ठीक है. तो आपके पास ये तीनों आ जाएंगी. बस तीनों का आपके पास स्टेडेट देखना है आपने. क्या पहले इसमें 0 पुट कर लो तो 0 3 से बड़ा है, नहीं है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन. 0 2 से बड़ा है, नहीं है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है. इसमें 0 पुट कर लो तो 0 40 से छोटा है, यस, तो टूवर्ड्स ओरिजिन. तो तीनों में आपको जो कॉमन हिस्सा आएगा आप उसको प्लॉट करोगे, ठीक है. सिमिलरली इज द केस विद द थर्ड वन. क्योंकि अब देखो इसमें क्या है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0, तो ये तो यही बनेंगे ना. देखो एक्स 0 है, एक्स 0 है और वाई कुछ भी हो सकता है. तो ये रहा आपके पास वाई 0 है और एक्स कुछ भी हो सकता है. तो ये रही आपके पास वाई इज इक्वल टू 0 और ये रही एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब ग्रेटर देन 0 तो 0 तो है, आप एक दूसरे ओरिजिन के साथ होंगे. मतलब इन दोनों का ज़्यादा आपके पास देखने वाली बात नहीं है, बस आपने इसका देखना है कि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे. तो ये देखो 0 100 से कम है तो ये मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो आ जाएगा आपके पास इसका आंसर, ठीक है. सिमिलरली इज द नेक्स्ट वन. इसमें 4 दे रखी हैं पर इन दोनों का ये जो वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 है इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. 0 इज लेस देन 8 टूवर्ड्स द ओरिजिन, 0 इज लेस देन 8 टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है. तो ये दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन है, कॉमन हिस्सा देख लेंगे इसका. ये देखो इसका ये सारा आएगा, अगर आप एक बार पेंसिल से देखना चाहते हो तो ये देखो ये सारा इसका आएगा और ये सारा इसका हिस्सा आएगा. तो आपको देखना है डबल शेडेड रीजन कौन सा है, बस उसको मार्क कर लेना है आपने, ठीक है ना. पेंसिल से एक बार आप रफली थोड़ा थोड़ा शेड कर लोगे दोनों को, और जो डबल शेडेड होगा उसको अच्छी तरह से शेड कर लेना, ठीक है. लाइक ये तो हमने पेंसिल से शेड कर लिया नॉर्मली, और अगर जो आपके पास डबल शेडेड आया उसको अच्छी तरह से ऐसे शेड कर लेना, ठीक है. तो एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं हमारे पास. ये रही देखो, ठीक है, सारी ऐसे ही हैं. अगर 4 इनइक्वालिटीज़ हैं तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं हर एक में. देखो एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई, ठीक है. तो अगर आपके पास ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं तो उन्होंने एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली दे रखी है, देखो ध्यान से, ठीक है. तो आपके पास ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो ये हमारा कवर हो चुका है ये चैप्टर, ठीक है. सो विल स्टार्ट द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो.